कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, इनको हम डिटरमिन कैसे करते हैं, निर्धारित कैसे करते हैं, इसके लिए रूल्स क्या क्या हैं। साथ साथ हम एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे लाइक प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी एंड परसेंटेज कंपोजिशन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स द मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नोन विथ सर्टेनिटी इन मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बताया गया, द मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नोन विथ सर्टेनिटी इन मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी किसी मेजरमेंट में ऐसे डिजिट्स, ऐसे मीनिंगफुल डिजिट्स जो विथ सर्टेनिटी नॉन होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम देते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कुछ रूल्स के द्वारा डिसाइड करते हैं। देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट आर डिसाइडेड बाय फॉलोइंग रूल्स। फर्स्ट रूल देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, याद रहे पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर का, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सबको सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाता है। यहाँ पर एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ ए पेंसिल इज मेजर टू बी 5.32 सेंटीमीटर देन देयर आर इन ऑल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। याद रखिए, एक पेंसिल का लेंथ आपको बताया गया, मेजर किया गया 5.32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो याद रहे 5, 3 और 2, ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। तो 5.32 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, तो आंसर विल बी 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो क्या देखा आपने, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ ए पेंसिल इज मेजर टू बी 5.32 सेंटीमीटर देन देयर आर इन ऑल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। याद रहे, इस मेजरमेंट में 5, 3, 2 तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इस मेजरमेंट में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, तो आंसर विल बी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रहे, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आने वाले जितने भी जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे आपने पेंसिल का लेंथ, सपोज आपने कहा 5.002, तो यहाँ पर 5 और 2 के बीच दो जीरो आए हुए हैं, उनको भी हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। तो 5.002 में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 5, 0, 0 and 2। देखते हैं एग्जांपल क्या मिला अपने को। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आने वाले सारे जीरो, सारे शून्य क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 2.06, देखिए एक नंबर लिया गया है 2.06, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर। याद रहे, 2, 6 और 0, ये तीनों यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इस मेजरमेंट में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर विल बी 3। फॉर एग्जाम्पल, इन 2.06 देयर आर इन ऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखते हैं थर्ड रूल, ऑल जीरोज आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रहे, किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। ये तीसरा रूल है सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने का। क्या बताया गया, ऑल जीरोस आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे पेंसिल का लेंथ आपने 5.00 मेजर किया, सपोज कितना मेजर किया, 5.00, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर, 3, 5, 0
0, ये तीनों ही यहाँ क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर क्यों माना गया है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद आया है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन 2.00 देयर आर इन ऑल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन कौन सा, ये 2, 0, 0, ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आए हैं, 2 के बाद आए हैं, 2 एक यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑल जीरोज कमिंग बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रहे, नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले किसी भी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। जैसे आपने पेंसिल का लेंथ मेजर किया 0.03, सपोज छोटी सी पेंसिल है आपकी 0.03 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी देयर। याद रहे, यहां पर जो जीरो है वो थ्री के पहले आया है, नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाला जीरो है, इसे हम सिग्निफिकेंट नंबर में, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो 0.03 में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दैट इज थ्री। यहां पर देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन 0.0023 में, याद रहे ये दोनों जीरो या पॉइंट के पहले का जीरो वह नॉन जीरो डिजिट के पहले आए हैं, दीज विल नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर, देन आंसर विल बी 2 and 3, दैट इज 2, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रहे हैं, इफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज इन द पावर ऑफ 10, देन द सिग्निफिकेंट फिगर इज डिसाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल इन एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻²³, देयर आर इन ऑल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको बताया गया कि अगर किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में दिया गया है, 10 के पावर के रूप में दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय विथ सम कोफिशिएंट, 10 का पावर इंटू सफिशियंट, जैसे ये देखिए आप 10⁻²³ × 6.022, इसे हम कोफिशियंट मानते हैं एंड दिस इज 10⁻²। यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कोफिशियंट से डिसाइड होगा, याद रहे इससे कोई मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी डिसाइडेड फ्रॉम 6.022 इन दिस केस। और यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 1, 2, 3 and 4, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन एवोगैड्रोस नंबर, आंसर विल बी 4। क्लियर, तो क्या देखा आपने, इफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज इन द पावर ऑफ 10, देन द सिग्निफिकेंट फिगर इज डिसाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल इन एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻²³, देयर आर इन ऑल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन कौन से, 6, 0, 2 and 2। चलिए नेक्स्ट रूल लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। देखिए एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल पर हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन 2 balls, याद रहे आपने कहा 2 balls और 20x, याद रहे एग्जैक्ट नंबर है, 2 balls मतलब 2 balls, नॉट 2.01 ball, 2 ball मीन्स 2 balls, एग्जैक्ट नंबर, और 20x, ये दोनों एग्जैक्ट नंबर है, इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्योंकि पॉइंट लगाकर आप जितना चाहे जीरो बढ़ा लीजिए, बिकॉज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स। क्या देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन 2 balls आर 20x, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर प्लेसिंग ए डेसिमल, दैट इज 2 को क्या लिख सकते हो, 2.0 लिख सकते हो, 2.00 लिख सकते हो, 2.000 लिख सकते हो, जितने जीरो बढ़ाते जाओगे सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो किसी एग्जैक्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट। जैसे 2 लिखा आपने, सिग्निफिकेंट फिगर 1 मिला, 2.0 लिखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो गए, 2.00 लिखा आपने, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा, एग्जैक्ट नंबर में, इनफाइनाइट नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं।
चलिए, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बहुत सारे रूल्स देखे। क्या क्या रूल्स थे? तो पहला रूल था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दूसरा आपने देखा कि जीरोस आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट्स, किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तीसरा रूल आपने देखा कि किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। आपने ये भी देखा कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच जितने भी जीरोज आते हैं सबको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। साथ साथ आपने देखा कि अगर किसी नंबर को 10 के पावर के रूप में साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में दिया गया है तो उस समय सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कोफिशियंट से डिसाइड होगा। और एक रूल ये भी था कि जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रख देता है कई बार, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है लेकिन कई बार आप गलतियाँ करते हैं। इनके रूल्स को आप अच्छे से जानते रहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके एकेडमिक एग्जाम में तो यूजुअली पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लेने जा रहे हैं प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। देखेंगे कि ये प्रिसिशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। सबसे पहले स्लाइड में क्या लिखा है देखिए, प्रिसिशन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी, व्हाइल एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए मेजरमेंट वैल्यू मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो प्रिसिशन क्या है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 3 रीडिंग लिए और तीनों रीडिंग एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, आपस में बहुत क्लोज हैं, तो हम इस रिजल्ट को प्रिसाइज बोलेंगे। क्लियर? और साथ में अगर हमने ये देखा कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज हैं, इफ रिजल्ट्स आर मोर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू देन हम उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2.00 ग्राम। किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का जो वास्तविक भार है वो 2.00 ग्राम है। 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी took 2 मेजरमेंट्स ईच एंड रिपोर्टेड द रिजल्ट्स एज अंडर। याद रहे किसी ऑब्जेक्ट का वेट 2.00 ग्राम है। 3 अलग अलग स्टूडेंट ए बी और सी ने 2-2 मेजरमेंट लिए और अपने रिजल्ट को देखिए कैसे शो किया। आगे एक टेबल दिया गया है। स्टूडेंट ए ने, ए की जो फर्स्ट रीडिंग थी वो थी 1.95 ग्राम और सेकेंड रीडिंग थी 1.93 ग्राम। एवरेज इसका निकालेंगे, दैट इज दिस प्लस दिस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू मिला 1.940 ग्राम। स्टूडेंट बी के जो रिजल्ट्स थे उसकी पहले रीडिंग थी 1.94 ग्राम, दूसरी रीडिंग थी 2.05 ग्राम और एवरेज आया 1.995 ग्राम। स्टूडेंट सी, पहली रीडिंग थी उसकी 2.01 ग्राम, दूसरी रीडिंग थी 1.99 ग्राम और तीसरी रीडिंग थी 2.000 ग्राम। अब इसको हमें एनालाइज करना है। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कितना है, 2.00 ग्राम। अब जो पहला स्टूडेंट ए था उसकी पहली रीडिंग 1.95 ग्राम, याद रहे ये 2.00 से बहुत दूर है। दूसरी रीडिंग 1.93, याद रहे ये भी 2.00 से बहुत दूर है, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत क्लोज है। तो जो पहली स्टूडेंट का रिजल्ट है दैट इज प्रिसाइज। क्या है वह? प्रिसाइज है क्योंकि आपस में दोनों रिजल्ट्स क्लोज है बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से ये रिजल्ट्स बहुत दूर हैं। क्लियर? तो पहले स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। देखते हैं स्टूडेंट बी जिसका पहला रिजल्ट 1.94 ग्राम, दूसरा 2.05 ग्राम, ये दोनों ही रिजल्ट जो एक्चुअल वैल्यू है 2.00 उससे बहुत दूर है और आपस में भी बहुत दूर है, 1.94 2.05। नेचुरली यह रिजल्ट न तो प्रिसाइज है
और न ही एक्यूरेट है। प्रेसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों रिजल्ट आपस में क्लोज नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं है। क्लियर। तीसरा स्टूडेंट का रिजल्ट देखते हैं। इसका पहला रीडिंग था 2.01 ग्राम, दैट इज वेरी क्लोज टू 2.00। सेकेंड रीडिंग इज 1.99 ग्राम, दैट इज ऑल्सो क्लोज टू 2.00 के भी क्लोज है, और साथ में 2.01 के भी क्लोज है। ये दोनों डिजिट्स आपस में भी क्लोज हैं और एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज हैं। नेचुरली जो स्टूडेंट सी है उसका रिजल्ट प्रेसाइज एज वेल एज एक्यूरेट है। तो पहले स्टूडेंट का रिजल्ट जो था वह प्रेसाइज था क्योंकि आपस में क्लोज था, लेकिन एक्यूरेट नहीं था क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर था। स्टूडेंट बी का जो रिजल्ट था वह आपस में भी क्लोज नहीं था, एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज नहीं था। मींस यह न तो प्रेसाइज था न एक्यूरेट था। और स्टूडेंट सी इसका रिजल्ट आपस में भी क्लोज है और एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज है। नेचुरली यह रिजल्ट प्रेसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। आपको रिजल्ट दे देता है और पूछता है कैसा है, प्रेसाइज है, एक्यूरेट है, दोनों है, कोई नहीं है। इस टाइप के आंसर, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो नेचुरली आप बना लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक यही जो पिछला रिजल्ट था उसे यहां पर एनालाइज किया गया है। हियर द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट ए आर प्रेसाइज एज दे आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट एक्यूरेट एज दे डू नॉट एग्री विथ ट्रू वैल्यू। द वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रेसाइज एज दे डिफर मच मोर फ्रॉम ईच अदर नॉर एक्यूरेट एज दे डू नॉट एग्री विथ ट्रू वैल्यू। द वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट सी आर प्रेसाइज as they are close to each other as well as accurate as they agree with true value। तो आपने देखा कि स्टूडेंट ए का जो रिजल्ट था वह प्रेसाइज था क्योंकि आपस में दोनों रिजल्ट क्लोज थे, लेकिन एक्यूरेट नहीं था क्योंकि ट्रू वैल्यू को एग्री नहीं कर रहा था। स्टूडेंट बी का रिजल्ट न तो प्रेसाइज था न ही एक्यूरेट था। स्टूडेंट सी का रिजल्ट प्रेसाइज भी था एक्यूरेट भी था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। कई बार यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देता है आपसे, स्पेशली एकेडमिक एग्जाम में। तो देखते हैं कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला क्या है। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या है भाई एक्सप्रेशन? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्या है फार्मूला? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, याद रहे किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है उसका फार्मूला है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा उससे। फॉर एग्जाम्पल फॉर वाटर H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में देखिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट कौन है वाटर में? हाइड्रोजन है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 2 ग्राम। कैसे आया? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो हाइड्रोजन का टोटल मास इन 1 मॉलिक्यूल कितना हो गया? 2 ग्राम। याद रहे 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना होगा? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 ऑक्सीजन आइटम इज देयर, दैट इज 16 ग्राम। याद रहे ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 2 टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना मिला है? 18 ग्राम। तो 2 ग्राम अपॉन 18 ग्राम इनटू 100 कितना आ गया? 11.11%। तो वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना मिला? 11.11%। कैसे मिला अपने को? हाइड्रोजन का मास दैट इज 2 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज 16 प्लस 2 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सेम फार्मूला, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का सिंगल एटम है दैट इज 16 एटॉमिक मास, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 88.89%। चलिए आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं यहां से।
Find the percentage composition of all the elements in glucose molecule C6H12O6. That is glucose molecule में सारे elements का percentage composition find करना है. देखिए कैसे find होगा यहाँ पर solution. देखिए percentage of carbon कितना होगा 72 gram. कैसे आया carbon का atomic mass है 12 into 6 atoms of carbon are there. 12 into 6 that is 72 gram. Divided by 180 gram. याद रहे 180 is gram molecular mass of glucose. Glucose का gram molecular mass है 72 gram upon 180 gram into 100. तो percentage कितना आ जाएगा 40%. Now percentage of hydrogen. Hydrogen का percentage 12 gram. कैसे आया 12 atoms of hydrogen are there in each molecule. 12 into 1. 1 is atomic mass. तो कितना आ गया 12 gram. Divided by 180 gram into 100, तो आंसर कितना आ गया 6.67%. सेम ऐसे ही इसी फार्मूले से आप ऑक्सीजन का परसेंटेज भी निकाल सकते थे, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने का. कैसे निकालेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कर दीजिए. ये देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 40. 40 किसका परसेंटेज था कार्बन का प्लस 6.67 किसका परसेंटेज था हाइड्रोजन का. तो ये कितना आ गया 100 माइनस 46.67 दैट इज 53.33%. तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में आप डिफरेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. Find the percentage composition of different elements in CaCO3, calcium carbonate में different elements का percentage composition आपको find करना है. कैसे find होगा GMM of CaCO3, यहाँ हमने count करके दिखा दिया है. पिछले केस में हमने count नहीं किया था glucose का, direct आपको बता दिया 180 होता है. यहाँ पर CaCO3 का GMM count किया गया है Ca that is 40, atomic mass 40 होता है, plus C that is 12, carbon का atomic mass, plus oxygen का एटॉमिक मास दैट इज 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48. तो टोटल कितना हो गया इसका 100. नाउ परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का परसेंटेज 40 ग्राम. कैसे आया कैल्शियम का एक एटम है और एटॉमिक मास इसका 40 है. तो 40 ग्राम अपॉन 100 ग्राम दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100. तो कितना आ गया इसका परसेंटेज 40%. नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकाला आपने कार्बन 12 ग्राम अपॉन 100 ग्राम इनटू 100 कितना आ जाएगा 12%. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना 48 ग्राम अपॉन 100 ग्राम इनटू 100 दैट इज 48%. तो इस तरीके से आपने CaCO3 में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लिया. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Find the percentage composition of different elements in H2SO4. H2SO4 का gram molecular mass आप निकाल सकते हैं 98 gram आएगा. Clear है? जैसे आपने calcium carbonate का count किया था, same वैसे ही H2SO4 का count कर सकते हैं. कितना आया gram molecular mass इसका 98 gram. Therefore, percentage of hydrogen. Hydrogen का percentage, एक molecule में दो hydrogen atom है. Hydrogen का atomic mass 1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 2 gram. अपन 98 ग्राम इनटू 100 दैट इज 2.04%. परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे फाइंड किया आपने सल्फर का एक आइटम है एटॉमिक मास 32. तो 32 ग्राम अपन 98 ग्राम, 98 इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, 98 ग्राम इनटू 100 क्या आ जाएगा ये 32.65%. इन द सेम वे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, फोर ऑक्सीजन आइटम्स आर देयर, 16 इंटू 4 दैट इज 64 ग्राम अपन 98 ग्राम इंटू 100 दैट इज 65.31%. तो इस तरीके से आपने H2SO4 में डिफरेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लिया. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.